तो आज की इस वीडियो में मैं जो भी बात आपके सामने करने जा रहा हूँ इस वीडियो में, वो मैंने काफ़ी सोचा समझा और इस नतीजे में पहुँचा कि ज़रूरी है आप तक इन बातों को पहुँचाना और आपके सामने इन बातों को उजागर करना। और मैं आपको बता दूँ कि इस ट्रेन में मैंने खुद सफ़र किया है और मैंने एक्सपीरियंस किया है कि इस ट्रेन में असल में होता क्या है। ज़रूर आपने पहले भी कोई वीडियो देखी होगी जिसमें आपको बताया गया होगा तेजस एक्सप्रेस के बारे में और उनमें काम कर रही कैबिन क्रू के साथ जो घटनाएं हो रही हैं उसके बारे में। पर असल में सच्चाई क्या है ये मैं आपको बताने चाह रहा हूँ। और ज़रूर जिनने भी ये वीडियो बनाए हैं बिल्कुल अच्छा काम किया है, नो डाउट, पर किसी बात को सही ढंग से रखना भी ज़रूरी है। और अगर आप उसको खुद नहीं देखें, खुद एक्सपीरियंस नहीं किए हैं, तो आप किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सकते जब तक आपको उसका पुख्ता सबूत ना मिल जाए। और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी एक ब्लॉग बनाया है इस तेजस एक्सप्रेस पे और मेरे पास उस टाइम पे प्रोफेशनल कैमरा भी था। तो हम लोगों को वैसे भी परमिशन लेनी ही पड़ती है और खुद जो अथॉरिटी थी उस ट्रेन के अंदर इंचार्ज वगैरह थे उनने मुझे खुद बुलाकर और अपने परिचय दिया और मेरे साथ फ़ोटो क्लिक करवाई। और साथ ही साथ उनमें जो कैबिन क्रू थी उनसे भी हमने ड्यूटी स्टार्ट होने से पहले ही परमिशन ले ली थी कि आपकी फ़ोटोज़ या आपके साथ फ़ोटो क्लिक करा सकते हैं या नहीं। तो बिल्कुल वहाँ से परमिशन मिल गई हमें। उसके बाद मैं आपको बता दूँ कि काफ़ी ऐसे लोग भी हैं जो बिना जानकारी के ये सब काम कर रहे हैं और वो सिंपल मोबाइल फ़ोन यूज़ कर रहे हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि हर सिंपल मोबाइल फ़ोन से व्लॉग बनाने वाला या वीडियो बनाने वाला गलत है, पर बिना किसी इन्फॉर्मेशन के या आपने परमिशन नहीं ली है और आप चुपके से कोई वीडियो बना रहे हैं और गलत तरीके से उसको सर्कुलेट कर रहे हैं तो वो बिल्कुल गलत है। और मैं आपको बता दूं कि मेरे खुद सामने ये चीज़ हुई थी और मैं उस आदमी को बेनकाब भी कर सकता हूँ अगर मैं चाहूँ तो। और वो आदमी अगर ये वीडियो देख रहा है तो वो खुद सोच सकता है कि क्या इज्जत रह जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर ये जो लोग कर रहे हैं ऐसा काम वो विदाउट फैमिली सफ़र कर रहे हैं और वो अधेड़ उम्र के हैं। मतलब समझ लीजिए कि जो ये कैबिन क्रू इसमें काम कर रही है उनकी बच्ची की उम्र की वो हैं और वो ये नहीं समझ रहे हैं कि उनकी बेटियां भी कल को इस जगह पे हो सकती हैं और उनके साथ भी ये अभद्र व्यवहार किया जा सकता है। और हो क्या रहा है कि लोग अपने मोबाइल कैमरे से चुपके से वीडियो बना रहे हैं और बना के व्हाट्सएप पे सर्कुलेट कर रहे हैं, फेसबुक पे डाल रहे हैं, या तो वो वीडियो कॉल कर रहे हैं वहीं के वहीं और अपने दोस्तों को दिखा रहे हैं, तो उस वीडियो कॉल में गलत कमेंट भी किया जा रहा है। मेरे सामने ये चीज़ जब हुआ तब मैंने उस चीज़ को नोटिस किया और उस चीज़ को रोका। और मेरे व्लॉग में भी वो इंसान आया है और मैं चाहूँ तो उसके चेहरे को बेनकाब कर सकता हूँ, पर मैं ऐसा अभी नहीं करूँगा। ज़रूरत पड़ने पे ज़रूर मैं कर सकता हूँ। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूँ कि आप लोग जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो किसी और की वीडियो पे जाके गलत कमेंट ना करें क्योंकि आप में और उनमें कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। आपको ये जो चीज़ सिखा रहा है वो भी इंसान गलत है, चाहे वो अपनी पब्लिसिटी के लिए कर रहा है चाहे कुछ भी। पर ये चीज़ भी गलत है कि आप किसी को गाली दे रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, वो भी सही नहीं है क्योंकि आप अगर किसी की माँ को गाली निकाल रहे हैं तो आपकी भी माँ है ये सोच लीजिए, आपकी भी बेटी है वो सोच लीजिए, आपकी भी बहन है वो सोच लीजिए। और सबसे पहली बात कि आप अपने देश को अगर माँ समझते हैं तो आप किसको गाली निकाल रहे हैं आपको खुद पता होना चाहिए। तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। और ये जो लोग कर रहे हैं वो भी गलत है। अगर आप गलत तरीके से उनसे बात करेंगे या कुछ करेंगे तो आप सही नहीं हो जाएंगे, आप भी उन्हीं लोगों के गिनती में ही आएंगे। तो इस वजह से आप ऐसी गलती ना करें और अपने बात को सही ढंग से ज़रूर रखें। और सबसे ज़्यादा मैं आपको बता दूं कि इसमें गलती खुद IRCTC की ही मैं मानता हूं क्योंकि वो इन सब के लिए परमिशन दे रही है। अगर वो परमिशन ना दे तो ऐसा कुछ नहीं होगा और वो चाह रही है कि हमारा प्रमोशन हो, यानी कि उस चीज़ को रोका ही नहीं जा रहा है। अगर रूल बन जाए कि अंदर मोबाइल कैमरा या किसी भी तरह का कैमरा या फोटो क्लिक नहीं की जा सकती है केविन क्रू के साथ, तो ऐसा होना बंद होगा। पर ऐसा नहीं किया जा रहा है क्योंकि IRCTC को अपनी ट्रेन को तेजस एक्सप्रेस को प्रमोट करना है और ये एक तरह से पब्लिसिटी स्टंट ही है। और मैं आपको बता दूं कि इस के लिए आप अपना आपा ना खोएं और जो ये कर रहा है अगर आपके सामने ये ऐसा कुछ हो रहा है तो बिल्कुल उस पे आप एक्शन ज़रूर ले सकते हैं, पर सही तरीके से। खुद IRCTC ही इन घटनाओं को रोके मैं इस बात की उम्मीद करता हूँ क्योंकि इस ट्रेन में गार्ड्स वगैरह सब लगे हुए हैं, तो ये किस काम के हैं मैं ये जानना चाहता हूँ। तो इसीलिए मैं IRCTC से गुजारिश करता हूँ कि इस घटनाओं को रोकें और ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो उन पे एक्शन ले। मोबाइल नंबर मांगना और ये सब काम करना बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसी उम्मीद के साथ
मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत।